हाय हेलो सत श्रीकाल, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 3:30। ओह वाह, क्या टाइम हुआ है। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरी फ़्लाइट है 5:55 अब 6 बजे की। और बच्चों को भी मैं मिल के आई, जस्ट थोड़ा सा लग रहा है अजीब, ठीक है। सो बस अभी वेट कर रही हूँ, 4 बजे हम लोग निकलेंगे यहाँ से। 4:30 तक मैं पहुँच जाऊँगी, उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो सब करके मैं मुंबई। और रितू का स्कूल है, सो सारी तैयारियां कर दी, उसकी यूनिफॉर्म वगैरह सब प्रेस प्रेस करवा के रख दी है। सो दैट उठ के नहला के मम्मी उठा देंगे सबको, और रेडी होके फिर हम जाएंगे स्कूल, मतलब बच्चे। और बस फिलहाल के लिए सुबह के बज रहे हैं 4, और ब्यूटी मुझे छोड़ने जा रहा है। गुड मॉर्निंग। पहले मैंने सोचा 2 बैग ले गए, फिर मैंने कहा 1 दिन के लिए क्यों करना, फिर मैंने सारा सामान एक में करने के लिए लिया। यस, यहाँ मैं सामान का वेट कर रही हूँ, कब लगे जाएगा मेरा और कब मैं बाहर निकलूँगी। सोचा वीडियो ही बना लूँ, इतने सालों बाद आई हूँ। सो फाइनली मुंबई पहुँच चुके, लगेज ले लिया गया, एंड भागो। मैं सोच रही हूँ ऑटो पर ही जाया जाए, क्योंकि वो फील ही अलग है। वंदना एंड शोभित, वाह 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 वाह, घर सुगंधित हुआ पड़ा है। ओह यार, सो स्वीट, थैंक यू। थैंक यू एंडी। शोभी अत्रे जी, ये कैसे लग रहे हो आप यहाँ पर? अलग यार,
इतनी क्यूट एल्बम्स। वाह फील है यार बॉम्बे का। बट मैं अपने बच्चों को मिस कर रही हूँ पति को। वेंडी जी मेरे लिए की बना लगी है तुम डोसा। डोसा अरे ये है शोभी यात्रे। तू चप्पल पा यार पहले। अरे यार कारीना साफ है चप्पल पाने का दिल नहीं कर रहा है। नहीं आज तो साडी दीदी ने भी बहुत लेट आना मतलब साडी वाली ना गई है छुट्टी दे कोई टेंशन नहीं। वो आना अल्टरनेट ने। अच्छा उन्हें आना 3 बजे। इतने कितना अच्छा ना अल्टरनेट दे के जानी है साडे वाले तो हफ्ता हफ्ता चल जाने साले आपे ही काम करो। लोग खंजाना मार के मैंने कोशिश की कि मुझे कैब मिल जाए बट नहीं मिली सो अभी फिर से ऑटो रिक्शा। Head southeast on Lokhandwala com. मेरे फोन में भी और मैं चार्जर नहीं लेके आई। बिग शॉट सिनेमैटिक। वाह ये परठा पनीर दाल सब बैंडी ने आप बनाए हैं। थैंक यू सो मच। और वो इतना यम्मी Oh my God. Boy, yummy, trust me. मैंने सोचा था मैं घूमने जाऊंगी लोखंडवाला जाऊंगी 6 बजे फ्री हो गई थी मैं क्लास से 6:30 पर कुछ नहीं हुआ और इसको भी मैंने जिला की रखा। नहीं तो बहुत ही माड़ी हालत लग रही है ऐसा लग रहा है मैं 4 दिनों की फ्लाइटा दवाई सारे गप्पा मार रहे हैं रात के किन्ने बजे से 12:15। हाँ बट मैं बिच उठ गई कि चलो यार अभी आप गेड़ी पे जाएंगे। हाँ अभी हम गेड़ी पे जाएंगे और सुबह मुझे कितने बजे पहुँचना है 9:30 की फ्लाइट है मुझे 8 बजे एयरपोर्ट होना चाहिए सर। 7:30 चली जाऊँ क्योंकि यार टाइम लग जाता है ना 7:30 ठीक है तो मुझे 5:30 उठना पड़ेगा। हाँ 5:30 उठना पड़ेगा। सो ये था मेरा आज का दिन और आज का दिन मेरे लिए मुझे इतना लंबा लग रहा था क्योंकि पहले रिदान जब स्कूल गया वीडियो कॉल की तो वो रोना शुरू हो गया फिर वहाँ जाके आज वो बड़ा रोया थोड़ा सा अजीब लग रहा था फिर थोड़ा वो सेटल डाउन हुआ सब चीज़ें हुई तो फिर मैं रिलैक्स हुई। फिर यूवी सिंह पहुँच गए थे घर पे तो वो थोड़ा अच्छा हो गया शो के बाद और मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर मार्केट जाऊँगी बट मैं क्लास से आके मतलब वर्कशॉप थी हमारी आज मेरा नया सीरियल शुरू होने वाला है बादल में पाँव है लाइक पंजाबी छोटी सरदारनी टाइप्स है बट स्टोरी लाइन अलग है लाइक पंजाबी फैमिली बेस्ड है और सोनी सब पे आएगा उसकी मीटिंग और वर्कशॉप थी आज तो उसके लिए मैं बॉम्बे आई थी एक दिन के लिए बट इसका शूट वहीं होगा खरड़ पे घर के पास ही सो वो बेस्ट पार्ट है। मैंने सोचा था लोखंडवाला जाऊँगी बट बैंड बज गई थी मेरी क्योंकि मैं सुबह 2:30 बजे उठी 2:30 बजे के बाद एयरपोर्ट एयरपोर्ट के बाद नींद नहीं आई वहाँ की सीधा क्लास में चली गई बट जो भी था अच्छा था लेकिन ये मुझे समझ आया कि बच्चे माँ बाप के बिना नहीं रह पाते माँ बाप बच्चों के बिना नहीं रह पाते ये बड़ा डिफ़िकल्ट सीगा। वहाँ ये फ़ायदा है कि एटलीस्ट अगर मैं सेट पे होती हूँ कुछ होती हूँ उसको स्कूल के बाद मेरे पास ला सकते हैं या मैं घर जा सकती हूँ मेरा सीन लेट है या कुछ है ये फ़ायदा पंजाब में शूट होने के। बस यही है मेरी कहानी आज मैं मुंबई कल सुबह घर। ये गुड नाइट।